नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आइग्रेन इंडिया से। आज 3 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया से भारत को तथा अन्य देशों को हो रहे चना मसूर चना निर्यात की जानकारी देना चाहूँगा। चलिए पहले बात करते हैं मसूर की। हम सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में ऑस्ट्रेलिया से भारत को मसूर के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी आई है और अप्रैल से अगस्त तक कनाडा के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से भारत में मसूर का निर्यात बढ़ा है। आइए जानकारी देते हैं मसूर और चना निर्यात की। ये आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी रिपोर्ट ABS द्वारा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ऑस्ट्रेलिया से 1.88 लाख टन मसूर का निर्यात किया गया, जो अगस्त के दौरान 1.37 लाख टन था। पूरे सीजन की बात करें तो सितंबर 2023 तक ऑस्ट्रेलिया ने मसूर का कुल निर्यात 16.87 लाख टन के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है और इसी अवधि के दौरान बीते सीजन यानी 21-22 में ये निर्यात 8.92 लाख टन था। देखेंगे आप 4.5 से 5 लाख टन का निर्यात बढ़ चुका है। निर्यात क्यों बढ़ा, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण बीते सीजन में ऑस्ट्रेलिया में मसूर का जो उत्पादन था वो काफी अच्छे स्तर पर पहुंचा था और उसकी उपलब्धता वहां से बढ़ी थी, जिसके कारण निर्यात एक नए लेवल पर पहुंचा है। हालांकि 23-24 सीजन में उत्पादन कम होने की आशंकाएं की जा रही हैं। सितंबर 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस महीने में UAE को सबसे अधिक 57,000 टन मसूर का निर्यात किया है, जबकि भारत को निर्यात 55,521 टन और मिस्र को जो तीसरे पायदान पर रहा 27,000 टन मसूर का निर्यात किया गया। मसूर के अलावा अब आते हैं चना पर। चना का निर्यात प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है, क्योंकि चना का सबसे बड़ा बीते 2-3 सालों पहले भारत सबसे बड़ा आयातक देश था। अब केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया चना का निर्यात कर पा रहा है। तो जो आंकड़े दिए हैं, सितंबर में ऑस्ट्रेलिया से करीब 61,000 टन चना का निर्यात हुआ है, जो अगस्त के दौरान 76,000 टन के आसपास था, यानी सितंबर और अगस्त के बीच 20% का अंतर बढ़ा है, यानी सितंबर में निर्यात 1/5 रह गया, 1/5 कम रहा। पूरे सीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से कुल 6.2 लाख टन चने का निर्यात हो चुका है, जो 21-22 सीजन के दौरान 5.5 लाख टन के आसपास था। और सितंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से सबसे अधिक 35,430 टन, UAE ने 8,930 टन और नेपाल ने 8,540 टन के आसपास ऑस्ट्रेलिया से चना आयात किया है। बांग्लादेश चौथे स्थान पर रहा है। उपरोक्त अगर आप सभी आंकड़े देखते हैं तो फर्क से लगातार उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात बढ़ सकता है। नई फसल की कटाई जल्द ही कुछ क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में और कुछ क्षेत्रों में बाद में होगी, और उत्पादकता लास्ट ईयर से अलिनो के कारण कम बताई जा रही है। उत्पादकता क्या है उसका इसकी असली जानकारी तभी मिलेगी जब फसल बाजारों में आने लगेगी। आपको वीडियो पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपको और अधिक वीडियोस और समय समय पर जानकारी दे सकें। नमस्कार।